साधना प्लस के फेस टू फेस विशेष कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। आज हमारे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड के प्रदेश अध्यक्ष अजय भट्ट जी। अजय भट्ट जी से आज हम भाजपा के बारे में बात करेंगे, उत्तराखंड में भाजपा की सरकार के बारे में बात करेंगे, हिमाचल प्रदेश के जो चुनाव संपन्न हुए उसके बारे में बात करेंगे, गुजरात में जो चुनाव होने वाले उसके बारे में बात करेंगे। अजय भट्ट जी, स्वागत है आपका साधना प्लस के विशेष कार्यक्रम फेस टू फेस में। जी धन्यवाद। भारतीय जनता पार्टी इस समय देश की सबसे बड़ी पार्टी बनके उभरी है। इसके साथ ही यह भी एक तथ्य है कि भारतीय जनता पार्टी इस समय ऐसी पार्टी है देश में जो बहुत सारे प्रयोगों से होकर के गुजर रही है। अभी नरेंद्र मोदी की सरकार जब केंद्र में आई तो यह नियम लगा कि जो 70 साल के ऊपर के व्यक्ति हैं उन्हें मंत्री नहीं बनाया जाएगा या उन्हें कोई एक्टिव दायित्व नहीं दिया जाएगा। लेकिन अब ये पिछले 3 सालों में ये जो नियम है पार्टी का वो खुद ही टूट रहा है। अभी कर्नाटक में बीएस येदियुरप्पा को आपकी पार्टी ने नेतृत्व सौंपा है, हिमाचल में प्रेम कुमार धूमल को सौंपा है, दोनों व्यक्ति 70 के ऊपर है। तो यह जो आपका प्रयोग है इसके बारे में आप प्रकाश डालिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी भारत की ही नहीं बल्कि विश्व की नंबर एक की पार्टी बन गई है। ये आपने जैसा कहा कि भारत की नंबर एक की पार्टी है, मैं जानकारी के लिए बताना चाहूंगा, आज तक चीन आगे था हमसे सदस्यता में, अब चीन हमसे पिछड़ गया है। नंबर एक पर भारतीय जनता पार्टी इस समय विश्व में पॉलिटिकल पार्टीज में सदस्यता में है। अब जहां तक बात है धूमल साहब की और अपने येदियुरप्पा जी की, धूमल साहब जी को अभी 75 साल नहीं हुआ है और येदियुरप्पा जी को भी 75 साल अभी पूरा नहीं हुआ है, ऐसी जानकारी है, यद्यपि आ रहा है कि पूरा हो गया है। और फिर कोई हार्ड एंड फास्ट ऐसा नियम भी पार्टी ने लिखित संविधान में अभी कोई चीज नहीं आई है, एक तैयारी की है। सामान्य एक ये माना जा रहा है कि यंग लोगों को ज्यादा चांस देना चाहिए, अगर इक्का दुक्का कहीं पर होता है तो अपवाद स्वरूप संभवतः तो ऐसा किया होगा, वैसे इसमें मेरी टिप्पणी करना उचित नहीं होगा क्योंकि ये केंद्रीय विषय है। हिमाचल प्रदेश में चुनाव संपन्न हो चुके हैं, वहां आप खुद प्रचार करने गए थे, गुजरात में चुनाव की प्रक्रिया चल रही है, इन दोनों राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की क्या स्थिति है? हिमाचल में उत्तराखंड दोहराया जाएगा, पूरी तरह से जिस तरह से उत्तराखंड में 3/4 बहुमत से भी अधिक हमारे पक्ष में मतदान हुआ है, हमको सीटें मिली हैं, ठीक इसी प्रकार हिमाचल की स्थिति भी देखने को मिल रही है। वहां पर मोदी जी का नाम और धूमल जी का नाम जो डिक्लेयर किया है उससे काफी फायदा भी हुआ है और मोदी जी का घर घर में नाम है, पूरे देश में है, तो हिमाचल भी उससे अछूता नहीं है। लोगों का विश्वास आज नरेंद्र मोदी जी पर है। सब्जी बेचने वाला हो, चाय की ठेली लगाने वाला हो, पान सिगरेट बेचने वाला हो या फिर मजदूर हो जो कंकर तोड़ रहा है सड़क पर, सारे के सारे लोग और या मध्यम वर्ग के लोग हों या उच्च वर्ग के लोग हों, सब लोग, देश के लोग इस समय मोदी जी में अपना प्रतिबिंब देख रहे हैं और उन पर भारी विश्वास कर रहा है देश। चाहे वो कुछ भी कर रहे हों, सबको ये पता है कि वो गलत नहीं कर सकते, न कर रहे हैं, और लोगों में एक ये विश्वास है कि मोदी आखिर कर किसके लिए कर रहे हैं, देश के लिए कर रहे हैं। अगर कहीं कोई कमी बेसी रह भी जाती है तो उनका इंटेंशन गलत नहीं है। जैसे जीएसटी के बारे में आया तो पूरे देश ने साथ दिया, नोटबंदी के बारे में आया लोग भड़काते रहे, पूरे देश ने साथ दिया, तो वो जो भी स्टेप ले रहे हैं देश की बेहतरी, देश के उत्थान के लिए और आम आदमी के उत्थान के लिए वो स्टेप उठा रहे हैं, इसलिए देश पूरा विश्वास कर रहा है। भट्ट जी, हरियाणा, झारखंड, महाराष्ट्र जैसे राज्यों में चुनाव हुए, उत्तराखंड में चुनाव हुए, वहां भारतीय जनता पार्टी ने मुख्यमंत्री पद का कोई चेहरा पेश नहीं किया, लेकिन क्या मजबूरी है कि उनको हिमाचल प्रदेश में धूमल को अपना मुख्यमंत्री पद का घोषित करना पड़ा चेहरा, ये क्या मजबूरी है पार्टी की? पॉलिटिकल पार्टीज वहां की पॉलिटिकल सिचुएशन को देखते हुए हमेशा ये निर्णय लेती हैं। जैसे उत्तराखंड में नहीं लिया और उत्तर प्रदेश में भी नहीं लिया, दिल्ली में लिया था हम लोगों ने,
हरियाणा में नहीं लिया, झारखंड में नहीं लिया, तो जब दिल्ली में लिया था उसके परिणाम विपरीत आए। और इसी तरह से हमने बिहार में नहीं लिया और कई कई जगहों पर लेने पड़ते हैं। अब येदुरप्पा जी का लिया और यहां पर आपने देख लिया है धूमल जी का लिया, तो वहां की पॉलिटिकल सिचुएशन, राजनीतिक परिस्थितियां ऐसी थी कि नाम लेने से फायदा हो रहा था। लेकिन तो गुजरात में आपका कोई चेहरा मुख्यमंत्री के तौर पे सामने नहीं है, तो नहीं, क्या वहां विजय रूपाणी को, वहां की पॉलिटिकल सिचुएशन क्या होगी वो तो बात की बात है, लेकिन जब वहां मुख्यमंत्री कोई है तो वही हमारा चेहरा है। और गुजरात तो वैसे भी अग्रणी प्रदेशों में रहा है, नेतृत्व किसी का भी हो, आज तो पूरे देश में नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व है। और चूंकि उनका घर वहां होने की वजह से, उसी स्टेट से होने की वजह से, नेचुरली वहां अमित शाह जी भी हैं और माननीय मोदी जी भी हैं, तो दोनों माननीय जब वहीं से हैं और जो वर्तमान माननीय मुख्यमंत्री जी हैं वो तो नेतृत्व कर ही रहे हैं, तो वहां लेने की आवश्यकता कहाँ है। यह भी आपकी पार्टी का एक प्रयोग ही है, एक प्रयोग ही कह सकते हैं कि किसी राज्य में चेहरे पे लड़ते हैं और किसी राज्य में मोदी के चेहरे पे नहीं। मैंने कहा प्रयोग, तो आप प्रयोग भी कह सकते हैं अपनी भाषा में, हमारी भाषा में है राजनीतिक परिस्थितियां, उस प्रदेश की राजनीतिक परिस्थितियां कि वहां डिमांड होती है किसी चेहरे की, डिमांड है ये चेहरा लाइए, पब्लिक ने कहा तो ले आए, और कहीं है कि नहीं मत लाओ क्योंकि कई धड़े हैं, कई लोग हैं, कई लोग मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, इससे दिक्कत आ जाएगी तो नहीं आए। चलिए लौट के आते हैं उत्तराखंड पे। उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी के 22 जिले हुआ करते थे, जिसे अमित शाह के दौरे के बाद घटा के 14 जिले कर दिए गए। उसमें भी आपने 13 जिलों के जिलाध्यक्ष घोषित कर दिए। हरिद्वार का जिलाध्यक्ष अभी घोषित हुआ, महीनों लग गए आपको उसको करने में, तो इसके क्या कारण है कि आपने 13, एक तो 13 जिले बनाए, उसके बाद आपने हरिद्वार का जिलाध्यक्ष घोषित करने में, तो क्या भारतीय जनता पार्टी में आंतरिक कलह चल रही है? नहीं, कलह तो नहीं है, थोड़ा ये दिक्कत थी कि हमारी पार्टी में, इसे अच्छी बात कहें या बुरी बात कहें, हम तो इसको इसी वजह से यहां तक गए अपनी पार्टी के ऐसे सिद्धांतों के कारण कि यहां कलेक्टिव लीडरशिप है। ऐसा नहीं है कि एक व्यक्ति जो बोल रहा है सब कुछ हो जाएगा, यहां आंतरिक हमारा लोकतंत्र होता है और हम लोग सबकी राय लेते हैं और एक कॉमन कंसेंसस बना के फिर काम करते हैं। नहीं भट्ट जी, आपको लगता नहीं कि मेरी बात पूरी नहीं कर रही? तो इसमें हम लोगों ने, हमारे हरिद्वार के अधिकांश लोग गुजरात में और हिमाचल में थे, तो सभी से पूछना था, और यहां पर जो 13 जिलों के लोग थे उनसे हमने पहले प्रच्छा कर ली थी। हरिद्वार में हमारे उपलब्ध नहीं हुए पूर्व मुख्यमंत्री, हमारे वर्तमान मंत्री, हमारे जिला अध्यक्षगण, काफी लोगों की ड्यूटी वहां गुजरात में लगी है और कुछ हिमाचल में थे। तो उनके आने के बाद जैसे जैसे चुनाव खत्म हुआ तो हमने दूरभाष पर जैसे जैसे संपर्क होते गया, कुछों से प्रत्यक्ष संपर्क हुआ और कुछों से दूरभाष पर हो गया, तो उसके बाद मैक्सिमम लोगों का यही वहां पर कहना था कि जो पूर्व के अध्यक्ष हैं, 6 महीना हुआ है, वहां के जिलाध्यक्ष सुरेश राठौर हमारे माननीय विधायक बन गए हैं, तो 6-7 महीना कुल हुआ, वो जब विधायक का टिकट मिला तब इनको हमने लिया। तो जब चुनाव के समय ये लोग वहां थे और सारे विधायक से लेकर कार्यकर्ता से लेकर बहुमत पक्ष में था, तो इसलिए हमने 14वां जिला भी घोषित कर दिया, इसलिए उसमें कोई ऐसी बात नहीं है, कहीं आंतरिक कलह जैसी कोई बात नहीं है। भट्ट जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, सांगठनिक अनुशासन और आंतरिक लोकतंत्र में बहुत महीन एक तरह का वो होता है, गैप होता है, तो सांगठनिक अनुशासन के नाम पे भारतीय जनता पार्टी में ऐसा देखा जा रहा है कि आंतरिक लोकतंत्र कहीं तिरोहित हो रहा है। आपकी पार्टी के लोग अन्य मंच पर तो बोलते हैं लेकिन पब्लिक फोरम में बोलने से बचते हैं, तो ये आम लोगों का परसेप्शन है कि भारतीय जनता पार्टी अब आंतरिक लोकतंत्र से कहीं दूर जा रही है। अगर पब्लिक फोरम पर आंतरिक लोकतंत्र की बात बोली जाएगी वो अनुशासनहीनता होगी। कोर ग्रुप में जो फोरम बना है उसके लिए, उसमें कुछ भी बोलिए आप, ये गलत कर रहे हैं, ये सही कर रहे हैं, सरकार की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, सरकार के फला मंत्री की परफॉर्मेंस बहुत बुरी है, इसमें संशोधन करिए, ये तमाम आंतरिक लोकतंत्र जो है ये कोर ग्रुप का विषय है या जो हमारी आंतरिक बैठकें होती हैं उनका विषय है। अगर इसको पब्लिक मंचों से बोला जाएगा वो तो अनुशासनहीनता हो जाएगी।
इसलिए अलग अलग मंच हैं हमारे वहां। कोर ग्रुप में जब हम बैठते हैं मर्सीलेस बैठते हैं, देख के बात नहीं करते हैं, जिसकी जो गलती है उससे कहते हैं कि आपकी ये गलतियां रही हैं, इससे संगठन को लॉस हो रहा है। और पब्लिक मंच पर यही बात अगर बोलेंगे तो अनुशासनहीनता हो जाएगी। तो इसलिए आंतरिक लोकतंत्र में कहीं कमी नहीं है हमारी, आज भी वैसी है जो जनसंघ या भारतीय जनता पार्टी के बनने के दौरान था। अब तो और मजबूत होने लग गया है, उस समय तो संख्या कम थी, बिना कोर ग्रुप की सहमति के कोई काम कर किए ही नहीं जाते हैं। भाजपा का जो पूरा आधार है पंच निष्ठा उसे कहते हैं आप लोग, जिसमें राष्ट्रवाद, लोकतंत्र, पंथ निरपेक्षता, गांधीवादी समाजवाद और मूल्य आधारित राजनीति को आप बेस बनाते हैं, बताते हैं कि हम इसी पर आधारित होकर के राजनीति करते हैं। लेकिन पिछले कुछ दिनों में ये देखा गया है कि ये जो पांचों बिंदु हैं वो कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी द्वारा अतिक्रमित किए गए हैं, तो इस पर आपका क्या कहना है? नहीं नहीं, पार्टी अपने बनाए बिंदुओं को कैसे अतिक्रमण कर सकती है? कहीं से कहीं कोई अतिक्रमण नहीं हुआ है। यह कांग्रेस का आरोप है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री आए केदारनाथ दौरे पे, वहां स्थानीय कांग्रेस के विधायक को निमंत्रण नहीं दिया गया। उन्होंने ये भी कहा कि वहां पर्यटन मंत्री का उस पत्थर पे नाम भी नहीं लिखा गया जो कि एक राजनीतिक परंपरा के अनुसार वहां होना चाहिए। तो उनका कहना कि भाजपा आंतरिक कलह से जूझ रही है। नहीं नहीं, कोई कलह नहीं है उसमें। ये बात रही कि कौन लोग वहां उपस्थित रहेंगे। माननीय पर्यटन मंत्री जी से पूर्व में पूछा गया था, मैंने भी बाद में पूछा ऐसा कैसे हुआ, तो उन्होंने कहा कि जो उपस्थित लोग थे, माननीय प्रधानमंत्री जी मुख्य अतिथि और निम्न लोगों की गरिमामयी उपस्थिति में, महामहिम राज्यपाल जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, और वहां सिर्फ एक मंत्री हमारे उपस्थित रहे, डॉक्टर धन सिंह रावत। हाँ, डॉक्टर धन सिंह रावत जी, जो जिनकी गरिमामयी उपस्थिति थी वही रह सकते थे। प्रकाश पंत जी भी वहां आए, लेकिन वो उस दिन आए जब पत्थर बन गए थे, सारी चीज हो गई थी, उनका कार्यक्रम नहीं था आने का। अंतिम क्षणों में मंच पर बैठने के लिए उनकी इजाजत लेनी पड़ी। पहले से आते तो कोई ऐसी जरूरत ही नहीं थी, पत्थर पर भी नाम खुद जाता। तो जैसे कल को माननीय प्रधानमंत्री जी को आना है 20 तारीख को, तो 19 तारीख को हमारे वित्त मंत्री जी वहां पहुंचे, तो तत्कालीन परिस्थितियों में हेलीकॉप्टर से पत्थर नीचे लाना, फिर हेलीकॉप्टर से ऊपर ले जाना संभव ही नहीं था, नहीं तो गरिमामयी उपस्थिति उनकी भी होती। ऐसा नहीं था, कौन लोग वहां गरिमामयी उपस्थिति में रहना है। और माननीय विधायक जी को वहां पर बताया गया था, माननीय विधायक जी को निमंत्रण दिया गया था, पिछली बार भी वो मंच पर नहीं आए थे जब मोदी जी उस बार आए थे, बुलाया गया था, तो उनके बारे में भी उनकी उपस्थिति का, वहां उपस्थित रहेंगे या नहीं रहेंगे, उन्होंने कोई भी वहां के जो एडमिनिस्ट्रेशन के अधिकारी हैं उनको अपना पक्ष नहीं रखा था या स्वीकृति पत्र नहीं दिया था। और गरिमामयी उपस्थिति लिखा जाता और वहां नहीं होते तो बहुत बुरा लगता, तो इसलिए वो जानबूझ के नहीं हुआ है किसी को। भाई जहां आ रहे हैं, जो शिष्टाचार के पालक रहे हैं, जो मर्यादाओं को बनाने वाली पार्टी रही है, वो मर्यादा नहीं तोड़ती है। नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश का आरोप है कि राज्य स्थापना दिवस का कार्यक्रम हुआ और उनको आमंत्रित नहीं किया गया। रविवार का कार्यक्रम हुआ जो उत्तराखंड के विकास के लिए एक संवाद का कार्यक्रम था, उसमें विपक्ष को पूरी तरह से उसकी अवहेलना की गई और उन्होंने कहा कि यह गलत राजनीतिक परंपरा भारतीय जनता पार्टी डाल रही है और इसका भविष्य में दोष भाजपा पर जाएगा। इसमें आपका क्या कहना है? नहीं, ऐसा कहीं नहीं रहा है। माननीय नेता प्रतिपक्ष जी के बारे में मैंने भी पूछा, उनके पास बकायदा कार्ड गया है, जैसे जाता है। मैं भी इस प्रदेश का नेता प्रतिपक्ष रहा हूं, कभी किसी सीएम ने टेलीफोन नहीं किया आप आइए। जो एक नियम होता है कि जो सरकारी कार्ड जाता है बुलावे के लिए, उनकी सीट लगी होती है वहां, अगर वो आते हैं तो उचित स्थान पर, जो प्रोटोकॉल के आधार पर स्थान होता है, उस स्थान पर वो बैठते हैं। और रैबार के कार्यक्रम में भी वो एक संस्था द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया था, जो रैबार का कार्यक्रम संस्था द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया था, और माननीय मुख्यमंत्री जी के जो जनता दर्शन वाला हॉल है उस हॉल के अंतर्गत उसको जरूर किया गया था, लेकिन वो उपस्थित जो किया था, हमको होस्ट जरूर बनाया था हमारी गवर्नमेंट को उन लोगों ने, लेकिन करने वाले कोई और लोग थे।
उसमें हमारे कई मंत्रीगणों को नहीं गया, हमारे सांसदों को नहीं गया, 5 सांसद थे उनको भी नहीं गया। तो इसलिए इसको ऐसा नहीं समझना चाहिए, उससे आइडिया नहीं होगा। मैंने स्वयं बात करी उनसे बाद में, उन्होंने कहा ये चूक हुई है, हम लोग तो समझे कि यहीं से कुछ होता होगा, कायदे से उन्हीं को देना चाहिए था। उत्तराखंड में आपकी सरकार है, पिछले 8-9 महीने हो गए, इस सरकार को अगर आपको 10 में से नंबर देने हो तो आप कितना नंबर देंगे? 11। आप 10 मांग रहे, मैं 1 बढ़ के दूंगा। 6-7 महीने में इतना अच्छा काम कर रही सरकार, 3-4 यूनिवर्सिटी ले आई है, 2,500 करोड़ रुपए लेके आ गई है, आपके रेलवे लाइन का काम प्रारंभ हो गया है, वन भूमि के प्रपत्र आपके ऑल वेदर रोड के सारे स्वीकार कर लिए गए हैं, ठीक कर दिया, क्लियरेंस करवा दिया है 6 महीने में, जबकि पुरानी सरकार तो कर ही नहीं पाई, इस पर 1 इंच आगे नहीं बढ़ी। और इतना ही नहीं, हम मीसा और DIR के जो बंदी हुए थे उनको पेंशन दे रहे हैं, शहीद परिवारों को जो 10 लाख रुपए गवर्नमेंट देती थी उनको सहायता, उसको 15 लाख कर दिया है। और इतना ही नहीं, शहीद परिवारों में हम लोग 1 व्यक्ति को नौकरी दे रहे हैं, और किसानों को 2% ब्याज में ऋण अभी अभी राज्य स्थापना दिवस के दिन हमने शुरुआत कर दी है। ये छोटी बात नहीं है, ऋण वितरित कर दिया उस दिन, और उसकी घोषणा पहले करी थी चंद्र सिंह गढ़वाली जी के गांव पीटसेंट से करी थी, वहां हम सब लोग थे। एक के बाद एक हम कार्यक्रम लॉन्च कर रहे हैं। अभी देखिए, कल पौड़ी में टेली रेडियोलॉजी, ये कोई छोटी बात नहीं है, उसी समय उन्होंने वहां से एक्सरे या फिर वो MRI से रिपोर्ट बनाई और उसको भेजा दिल्ली के वैज्ञानिकों को, नहीं डॉक्टर्स को जो स्पेशलिस्ट हैं। 15 मिनट में रिपोर्ट आ गई, वहीं पर मुख्यमंत्री जी के भाषण देते देते वो रिपोर्ट सबको दिखाई गई। तो ये अगर नई क्रांति नहीं है तो क्या है? आदमी भटकता है, MRI कराओ, एक्सरे कराओ, ये लाओ, फिर उसके स्पेशलिस्ट नहीं है, रिपोर्ट करा भी लिया तो रिपोर्ट कहां से आएगी और क्या दवा देनी चाहिए? तो ये बहुत बड़ी बात है, टेलीपैथोलॉजी तुरंत एकदम से, टेली रेडियोलॉजी इतनी बड़ी बात। एक तरफ तो आप बात कर रहे हैं टेली रेडियोलॉजी जैसी अत्याधुनिक सुविधाओं की, दूसरी तरफ आपने कल सारे समाचार पत्रों में देखा होगा कि मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना जो चल रही थी उसे उस कंपनी ने बंद कर दिया, जिससे हजारों जो निम्न वर्ग के लोग हैं वो प्रभावित हो रहे हैं। इस पर सरकार का कोई जवाब नहीं आया। नहीं आएगा, सरकार का जवाब आएगा, कंपनी ने क्यों बंद किया है पता लगना चाहिए। गवर्नमेंट ने तो कंपनी को नोडल अधिकारी नियुक्त किया है, अगर वो सक्षम नहीं है तो दूसरे को करेगी गवर्नमेंट, देखेगी क्या हुआ, जांच करेगी उसकी। अभी भी पैराडाइज लीक एक कांड खुलासा हुआ है, इंटरनेशनल विश्व स्तर पे हुआ है, उसमें आपके एक केंद्रीय मंत्री और एक भाजपा के राज्यसभा सांसद, दोनों लोगों का नाम आया, और ये दोनों लोग उस पार्टी के नेता है जिसकी कभी लाल कृष्ण आडवाणी नेतृत्व करते थे जिसका, और उनका एक मामले में नाम आया और उन्होंने तत्काल लोकसभा से इस्तीफा दे दिया, जांच हुई और दोबारा चुनाव निष्पक्ष साबित हुए और दोबारा चुन करके लोकसभा में आए। आपने सोनिया गांधी पे आरोप लगाया लाभ के पद का, उन्होंने तत्काल इस्तीफा दिया और दोबारा चुन करके आई, तो क्या आपको नहीं लगता कि जिन दोनों व्यक्तियों पे आरोप लगे हैं उन्हें नैतिकता के नाम पे इस्तीफा दे देना चाहिए और जांच होने के बाद दोबारा अपॉइंट होकर के आए और निर्वाचित होकर? कोई बात हो तब तो, ये तो आरोप तो कोई लगा देगा, कोई मुझसे कह देगा, कोई आपसे कह देगा, इस पर नहीं। उसमें तो जांच में बकायदा नाम डालने की बात थी आडवाणी जी और उनके, उन्होंने एक नैतिक उच्च नैतिक मूल्यों को स्थापित किया और उनके ऊपर केस भी चला, केस में बरी हुए। तो यहां कोई ऐसी बात होगी तो देखेंगे, लेकिन ऐसी बात है नहीं। अभी तो नाम कोई किसी का ले सकता है, कोई किसी का वैसे भी डाल देता है, उसकी ऑथेंटिसिटी अभी नहीं कही जा सकती है जब तक कि कोई मामला चलता नहीं है। नहीं, अगर मामला चलेगा तो आप नहीं करेंगे कि वो तो इस्तीफा दे? ये तो केंद्रीय विषय है, मेरा नहीं है, केंद्रीय नेतृत्व का विषय है वो, उस पर हमारा केंद्रीय नेतृत्व बहुत सजग है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने नेशनल एग्जीक्यूटिव में साफ कहा, गलत कामों में कोई मेरा अपना सगा नहीं होगा, रिश्तेदार भी हो मेरा कोई अपना रिश्तेदार नहीं होगा, भय और भ्रष्टाचार के मामलों में अगर कोई आता है तो वो भुगतेगा, उसकी व्यक्तिगत रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप भट्ट जी 1980 से भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं और 6 अप्रैल 1980 को भारतीय जनता पार्टी का गठन हुआ था। आप तब से लगा के अब तक के सारे अध्यक्षों को का कार्यकाल देखा है, मुरली मनोहर जोशी, लाल कृष्ण आडवाणी, वेंकैया नायडू,
इन सबको देखने के बाद अब आज राजनाथ सिंह और गडकरी का भी कार्यकाल आपने देखा, तो अमित शाह का जो नेतृत्व है भारतीय जनता पार्टी में उसको किस तरह से अलग रूप में देखते हैं? सभी लोगों का नेतृत्व बहुत अच्छा, अपने अपने समय में सभी लोगों ने पार्टी को नई नई ऊंचाइयां दी हैं और नए प्रयोग करके और ऊपर उठाया है, तभी तो पार्टी यहां तक आई है एक के बाद एक स्टेप बाय स्टेप। और माननीय अमित शाह जी पूरे इस श्रृंखला में सब सीखते आए हैं, एक एक चीज नोट करते आए हैं नीचे से ऊपर तक, जो कहीं कमियां कोई अच्छाइयां वो उन्होंने ग्रहण करी हैं, तो उस सब का सम्मिश्रण है, इसलिए उनमें अद्भुत संगठनात्मक शक्ति है और संगठनात्मक कौशल है। इस नाते से सब सीखते आए नीचे से यहां तक, तभी तो यहां पहुंचे हैं। नए नए प्रयोग करना, पूरे भारत भर में हर जिले में कार्यालय बना देना, हाईटेक पूरे कार्यालय बनाना, ई लाइब्रेरी बनाना, ये जो पार्टी भी है उनका, हम सबका ये मानना है कि पार्टी अगर अच्छा काम करेगी उसके द्वारा लाई गई सरकार अच्छी होगी, क्योंकि कल तक कार्यकर्ता होते हैं सब, एक सरकार में बैठ जाता है कोई संगठन में बैठता है, तो इसलिए जो उन्होंने किया है वो सब आज तक के सारे अध्यक्षों द्वारा पार्टी द्वारा किए गए कार्यों का निचोड़ है, और उस निचोड़ का गूढ़ तत्व उन्होंने लिया है, इसलिए वो आज नए नए प्रयोग कर रहे हैं, इतने आगे हैं और कौशल में, संगठन के कौशल में बहुत माहिर हैं, और उनकी संगठनात्मक कौशल की सब लोग तारीफ करते हैं। भट्टी जी, आपकी सरकार को बने हुए 9 महीने हो गए, आपने जो चुनाव में विजन डॉक्यूमेंट जारी किया था, क्या उसकी समीक्षा का भी कोई प्रोसेस, कोई प्रक्रिया है आपके पास? लगातार करते हैं, मुख्यमंत्री जी ने खुद अपने पास वो अपना जो विजन डॉक्यूमेंट है हमारा वो रखा है, चीफ सेक्रेटरी उनके पास भी वो रहता है, विभागों को भी वो उपलब्ध कराया है कि हमें अपनी बात पर अडिग रहना है, और जो हम लोग वहाँ वायदे किए हैं जनता से, उन वायदों को स्टेप बाय स्टेप करना है। जैसे हम राज्य बनाने की बात है, 6 साल में 5 साल में हम चाहते हैं कि उसमें कुछ न कुछ हमारा अच्छा परिणाम आ जाए, ग्रीष्मकालीन राजधानी बन जाए, तो इसी तरह से अन्य हमने जो वायदे उसमें किए हैं उनको हम पूर्ति कर रहे हैं। सिर्फ एक किसानों वाला उसमें आया है, उसमें खजाना खाली है, तो कुछ भी करें, मारें पीटें लूटें गाली बकें, है ही नहीं कुछ। कांग्रेस खत्म करके गई पूरे खजाने को, पूरी तरह से चौपट करके गई। जैसे हम खजाने में वृद्धि करने की कोशिश कर रहे हैं, नए नए स्रोतों से राजस्व इकट्ठा कर रहे हैं, बड़ा भी दिया है, अभी आप देख लीजिएगा कई विभाग तो ऐसे हैं जिसने 57 करोड़ 56 करोड़ 80 करोड़ लाभ कमा लिया 6 महीने में। ये वैसे नहीं हुआ है, ये लीकेज बंद करने से, चोरी बंद करने से हुआ है, एकदम बढ़ रही है। तो खजाने को हम ऊपर ला रहे हैं तो भ्रम फैलाने का काम कांग्रेस के लोग पहले किए जा रहे हैं। ये जो लूट हुई जिसकी वजह से राज्य के खजाने को बड़ी चपत लगी, जैसा कि आप अभी कह रहे हैं, जिन जो विभाग घाटे में चल रहे थे वही अब फायदे में आ रहे हैं, तो क्या आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं पूर्ववर्ती सरकार में इन विभागों की भी भूमिका राज्य को खजाने को लूटने में थी, उस पर आप कोई कार्रवाई करने की सोच रहे हैं? देखिए, जो भी पिछली सरकार रही है, सरकार ने गंभीरता से काम नहीं किया है, न तो खजाने को मेंटेन किया बल्कि दोनों हाथों से खजाना लुटाया अपने चहेतों को, और समय बर्बाद किया आपसी लड़ाई में, ग्रुप्स में। उसकी परिणति तब हुई जब पूर्व मुख्यमंत्री श्रीमान बहुगुणा जी, विजय बहुगुणा जी, अपने 9 साथियों के साथ बाहर निकल आए, वहां घुटन महसूस कर रहे थे लोग, आपस की लड़ाइयां थी, जूतम पैजार थी हर बार, तो इसलिए शांति भी चाहते हैं राजनीति में, इसे उठाओ उसे गिराओ, यहां उखाड़ो यहां पछाड़ो, मंत्री आपस में लड़ते थे, अध्यक्ष और मुख्यमंत्री आपस में लड़ते थे, पूरब पश्चिम थे सब, उत्तर दक्षिण थे, तो इस तरह से पूरा विकास कार्य वहां पर रुक गया और खजाने का दुरुपयोग होते रहा इन लड़ाइयों के कारण। और हमारे यहां उसको सारी चीजों में सावधानी बरती गई है, और वो चीज थी नहीं, लड़ाई झगड़े का कोई मतलब नहीं होता है, आपसी सामंजस्य से हम लोग आगे बढ़ते हैं, परिवार भाव से हम, सरकार हो चाहे संगठन हो, इसको आगे चलाते हैं। आपके कार्यकर्ताओं को बड़े लंबे समय से इंतजार है,
दायित्व मिलने की, जो सरकार उन्हें दायित्व देती है वो सरकार के पार्ट होते हैं, आपका जो विजन डॉक्यूमेंट है उसको इंप्लीमेंट करने में वो बहुत अहम रोल अदा करते हैं। 8-9 महीने सरकार को हो चुके हैं लेकिन उस पर कोई नहीं है अभी तक, तो कब तक उम्मीद की जाए कि आप अपने कार्यकर्ताओं को दायित्व देंगे? ये मेरा मानना है कि थोड़े दिन और इंतजार करना पड़ेगा, दायित्व मिलेंगे जो आवश्यक है लेकिन कुछ दिनों का इंतजार अभी बाकी है। आप अपने परिवार के बारे में, व्यक्तिगत जीवन के बारे में कुछ बताइए, मेरा अंतिम प्रश्न है, अपने परिवार के बारे में और अपने व्यक्तिगत जीवन के बारे में बताएं, आप किस परिस्थिति से उठ करके? से मैं बहुत सुखी हूं, मेरी पत्नी जुडिशरी में पहले रही और उसके बाद अभी प्रैक्टिस करती हैं, लॉयर हैं, स्टैंडिंग काउंसिल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रही हैं और मैं स्वयं पेशे से वकील हूं। और बाकी मेरा जीवन तो आपको पता ही है कि कष्टकारी रहा है, मैंने बेलचा लगाने से लेकर सारे काम किए हैं, ऑलराउंडर होना चाहिए। और मैं कभी कोई पद की डिमांड नहीं की मैंने अपनी पार्टी में, पेशे से वकील और अचानक मुझे विधायक बना दिया 96 में, फिर मंत्री बना दिया कई विभागों का, कैबिनेट का, और उसके बाद लगातार कहीं ना कहीं पार्टी दे ही रही है। पहला ऐसा व्यक्ति बनाया मुझे, मेरी पार्टी का इतना प्रेम रहा कि नेता प्रतिपक्ष जहां मुझे पद दिया उसी के साथ प्रदेश अध्यक्ष भी बना दिया, कहा कि दोनों पद एक साथ संभालो और जो भी काम पार्टी देती है दायित्व उसको बेहतर बनाने की मैं कोशिश करता हूं। और मेरा ये अपना मानना है जो सही भी है कि सब चीज पूर्व निर्धारित है, सिर्फ कर्म करो, जिस क्षेत्र में हो खूब जम के कर्म करो, तभी ईश्वर की कृपा है। साधना प्लस के विशेष कार्यक्रम फेस टू फेस में बातचीत करने के लिए, समय देने के लिए आपका बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद। ये थे हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अजय भट्ट जी, जिन्होंने जीवन में सच्चे नायकत्व की पक्षधरता की बात कही, जिन्होंने ईश्वर पर आस्था जताई और अपने कर्म में विश्वास करने की बात कही। अगले सप्ताह ऐसे ही किसी एक अन्य शख्सियत से मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।